हाय गाइस, वेलकम टू बिग माय चैनल। स्वागत करुच्छे यूट्यूब चैनल नमता किचन गार्डन एंड ब्लॉग को। आज आम कि फूल गचरे लगवा जेहेतु शीत दिन आसीगला से सेप्टेम्बर मसर जब आम सब जी गच जदि वृद्धि नवा कि चारा जदि आम टे लगेद कि कौन गच्छे जत्न नहीं ना तो शीत दिन बेलू पूरा पूरी फूल पूरा भरपूर थी गार्डेन पूरा ग्रीन ग्रीन लगे से एबू ही आम टे लगे गार्डेन ले। एटा हूँ मोर रेनी लिली। रेनी लिली रे मुझे ह्वाइट कलर लगे थी बहुत सुंदर एवं फूल फुटुची तो आज मुझे लगे भी आपण सहित सेयार मध्य करी वीडियो मध्यम मुझे आनी रेड लिली रो जोटा कि प्याज भली जो आमर थाए तार मूलटा सीटा आनी प्याज मूली जोटा कि आमर पूरा पूरी डीप रेड कलर आज ताकू लगे नवा ताकू गोटे छोट साइज पोट्रे लगे ह्वाइट टाक अलग पोट्रे लगे ह्वाइट सहित मिक्स करके लगे पानी रेड टाक अलग लगे ता सहित आज अमर लिली रचर टे जत्न नेबी जपरिक आगको शीत दिन आसीगला अमर लिली निहाती भाव में फूल फुटब से अमर लिली टी डाउन हो जाए गचटा से किंतु गच पूरा हेल्दी अच्छे टी प्रपर टी केयर नहीं गले तार चेर जेहेतु बहुत सारा हो गला से जत्न नहीं गले गचर पूरा फूल फुटब शीत दिन में से अमर लिली भी जत्न नहीं जावा ये सब प्याज मूली जो देखुं एगुड़िक हूँ मोर रेनी लिली ये सब रेनी लिली हूँ मोर रेड कलर तार देखिपे सब प्याज रे जो सब चेर बाहर के सुंदर भाव एगुड़िक जो छिड़ी जाए भी से सब भी बहुत बढ़िया भाव में टिके बर्षा थंडा हेले कि टिके पा पाइले से पुणी पंचेब से मूलटा को ही निहाती लगे दरकार एवं देखिपे के छोट पोट्रे मुझे मटी को टी खोसे नेबी सर्वप्रथमे मटी खोसे सारापर मटीटा टी ओदा अच्छी ओदा मटी खोसे देखिए रेनी लिली लगे ना यही छोट पोट्रे ह्वाइट कलर रेनी लिली लगे एटारे मुझे लगेबी रेड कलर तो रेड कलर टी अलग लगे ह्वाइट कलर अलग लगे कहीं भल देखा सुंदर देखा ह्वाइट गोटे भल ग्रोथ कर गोटे पोट्रे रेड भी गोटे पोट्रे भल ग्रोथ कर फुटब जिते बड़े फूल एका साथ बहुत ही सुंदर लगे से जमा मिक्स करेंगे अलग अलग रखिली मो पाखे के सारा लिली गच एवेलेबल अच्छी जदि आपण मैंने देखा चाहूंट मत कमेंट मध्यम जनइबे तो आपण मानी नहीं आसबी मोर के सारा लिली गच अच्छी सेगुड़िकर नाम सब कौन आगुड़िकर फूल फुटेले किपर देखा जाए सबकि सेयार करी से कमेंट बक्स में मत निहाती भाव में कमेंट कर जनातु देखिपे किपर भाव गोले करके पोतीदेली जपरिक लिली गचटा से पुणी किसी ना कि छोट छोट पिज पुणी तार मूल बाहर से टे हाला डिस्टान्स लगे जपरिक गचे ग्रोथ कला पूरा पूरी गच पूरा कुंडटा भरपूर देखा जपरिक मोर ह्वाइट कलर टा गोटे दुईट पोती देखिपे के सारा गच ग्रोथ होते सुंदर देखा जाड़ भी बहुत सारा फूल भी बहुत सारा फुटी ता सहित सब बेले गोटे ना गोटे फूल निहाती भाव में फुटुच्छे से ही भाव रेड कलर टाक पूरा चारि से गोले करके गोटे गोटे करके छाड़ छाड़िका लगेदेली जपरिक गच जिते बेले मोर इम्प्रूव कर दिनक दिन से पूरा कुंडटा पूरा भरपूर देखा हे गच पूरा ग्रीन ग्रीन देखा एवं से हाला हाला पा दे कि गोटे सैड कर नवा एवं आम टे ग लगे अमर लिली गचरे अमर लिली गच देखो यही देखा तार पूरा फुलटा पूरा रेड कलर अच्छी ह्वाइट कलर अच्छी आपड़ जपर पसंद से भाई आनी पारे मोर कितु यहाँ हूँ रेड कलर फुलर गच अमर लिली गच को बहुत सारा चेर हो जाए कहीं मटी बहुत कम दे कि लगे से जेहेतु गोटे मूल थी से अल्प मटी दे कि लगे एवं कितु बहुत सारा गच इम्प्रूव कर देखिपे के सुंदर ग्रोथ कर गच पूरा डैमेज होनी कि मटी टी सर्टेज जेहेतु तार चेर गुड़िक इम्प्रूव करार सहज होती गचे मटी दे आउटे कोड़े खुशे नवा से गोटे सैड कर उपाड़ने देखो केुंदर भाव में बाहरी गला जमर भी मटी लगलानी कुंडे देखते चेर के सारा देखते हो जाए पूरा पूरी चेरमय हो जाए मटी सर्टेज जेहेतु से मटी देदेब आ चेर गुड़िके छिड़े खोसई लगे चेर गुड़िक जदि आप खोसई न लगे तो चेर इम्प्रूव कर भल भाव से खोसई नहीं कि लगे जपरिक चेर भल भाव इम्प्रूव कर गचरे जल्दी फूल फुटब आ बहुत बड़ सैज फुल फुटब से शीत दिन आगु टे जत्न नहीं गले शीत दिन बेलू मोर प्रपरी गच पूरा रेडी से आगामी केयर नहीं गली
ଆପଣ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଲିଲି ଗଛ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାସ ଆଗରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଟିକିଏ ଯତ୍ନ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଛରେ ଯତ୍ନ ନ ନେଲେ ତ ଫୁଲ ହିଁ ଫୁଟିବନି, ଫୁଟିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାଇଜ୍ ଛୋଟ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଛରେ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଟିକିଏ ଗୋଟେ ମାସ ଆଗରୁ ନିହାତି ହାତରେ ରଖିକି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଗଛ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶୀତ ଦିନ ବେଳକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଶୀତ ଦିନ ବେଳକୁ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ଆଉ ଗଛ ବି ହେଲ୍ଦି ହେଇଥିବ। ଶୀତ ଦିନ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ପୁରା ନର୍ମାଲି ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣ ଫୁଲ ପାଇପାରିବେ। ଅମୁଲ ଲିଲିର ଗଛ ଗ୍ରୋଥ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ତା ସହିତ ଚେର ବି ଜଲ୍ଦି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଆହୁରି କରିବା ପାଇଁ କୋକୋପେଟ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକିଏ ଦେଇଦେଲି। କୋକୋପେଟ୍ ପାଉଡ଼ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କୋକୋପେଟ୍ ପାଉଡ଼ର ଟିକିଏ ଦେଇଦେବା, ତା ସହିତ ମାଟି ବି କିଛି ଦେଇଦେବା, ପୁଣି କୋକୋପେଟ୍ ପାଉଡ଼ର ମୁଠେ ଦେଇଦେବା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କୋକୋପେଟ୍ ଦେଲେ ବି ଗଛ ବଢ଼ିଆ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ, ଗଛର ଚେର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜଲ୍ଦି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ କୋକୋପେଟ୍ ପାଉଡ଼ରଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତିକି ଲେଖା ଦେଉଛି, ପୁରା ପୁରି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଏତିକି ଲେଖା ଦେଲେ ବି ଗଛ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ତ ସେଥିପାଇଁ କୋକୋପେଟ୍ ଦେଇଦେଲି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଖପରା ଫପରା ସବୁ ବାଛି ନେବା, କାହିଁକିନା ମାଟିରେ ଏସବୁ ରହିଲେ ଲିଲି ଗଛ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ କରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମାଟିରୁ ବାଛିକି ବାହାର କରିନେବା। କରିସାରିବା ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ଲଗାଇବା ଗଛଟାକୁ, ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଫାଷ୍ଟ ରଖିଦେବା। ରଖିସାରିବା ପରେ ତା'ର ଚାର ସାଇଡ଼୍ରୁ ଟିକିଏ ଖସେଇକି ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିନେବା, ଯେପରିକି ମାଟିଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ ଆଉ ତା ସହିତ ଗଛ ବି ଭଲ ଗ୍ରୋଥ କରିବ ଆଉ ନୂଆ ମାଟି ସହିତ ସେ ବି ଆଟାଚ୍ ହେଇଯିବ ଭଲ ଭାବରେ। ଆଜିର ମୋର ଏଇ ରେନି ଲିଲି ଆଉ ତା ସହିତ ଅମଲ ଲିଲିର ଯତ୍ନ କିପରି ନେଲି, ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ।